एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में जानेंगे 12th एडमिशन 2020-21 से जुड़े एक बेहतरीन न्यूज, जिसमें आप लाखों छात्रों का भविष्य खतरों में जा सकता है। जो भी इंटर में एडमिशन लिए हैं उन सभी के लिए बोर्ड ने 26 जिलों को नोटिस जारी किया है। जाने क्या है नोटिस में? इस नोटिस में नामांकन भी होने की संभावना है, रद्द होने की संभावना है। अगर आप इन 26 जिलों से आते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक। हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा जिला है। देखिए न्यूज क्या है। सो पहले देख सकते हैं, बिहार में इंटर में नामांकन लेने के बाद छात्रों का विवरण बिहार बोर्ड के OFSS पर अपलोड नहीं करने के वाले पटना समेत 26 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार बोर्ड ने नोटिस भेजा है, जबकि हर दिन इसे अपडेट करना अनिवार्य है। यानी कि आप लोगों का जो एडमिशन होता है, प्रत्येक दिन में जितने भी छात्र का एडमिशन हुआ उसका अपडेट उनको बिहार बोर्ड को भेजना होता है कॉलेज को। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, यानी कि 26 जिले का ये कॉलेज है, जो कि उनको रोज दिन का अपडेट नहीं दे रहे हैं। इनसे बिहार बोर्ड को यह समस्या हो रहा है कि कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है और कितना फीसदी खाली है। आगे देखिए, जबकि हर दिन इसे अपडेट करना अनिवार्य है। बावजूद प्रदेश भर के कई जिलों के स्कूल कॉलेज इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। ज्ञात हो कि नामांकन लेने के दूसरे दिन OFSS पर अपलोड करना है, यह साइट है बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड ने इसके लिए हर दिन तिथि भी तय की है। OFSS पर नामांकन अपडेट करने के बाद ही बिहार बोर्ड को नामांकन की संख्या का पता चल पाएगा, कितना सीटें भरी है और कितनी खाली रह गई है। इस आधार पर द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी। तो यह कॉलेज की लापरवाही है। आप किन जिलों में हैं ये सभी कॉलेज वो देखिए। ये प्रिंसिपल और कॉलेज की लापरवाही है जिनसे बच्चे का एडमिशन जो है वो खतरे में जा सकता है ना। तो इन सभी को देखिए, आपका कॉलेज है या नहीं है। अपडेट करने की अंतिम तिथि थी 18 अगस्त। बोर्ड की माने तो इंटर नामांकन अपडेट करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त तय की गई है। बोर्ड पहले ही सभी स्कूल और कॉलेज को आगाह कर चुका है कि 18 अगस्त तक नामांकन अपडेट नहीं होने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। ज़्यादातर स्कूलों में अभी भी नामांकन बचा हुआ है। पटना हाई स्कूल की बात करें तो 70% नामांकन हो गया, लेकिन अभी भी नामांकन बचा है। वहीं बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की माने तो नामांकन अभी पूरा नहीं हो पाया है। छात्राएं नामांकन नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत विद्यार्थी नामांकन लेने नहीं आए हैं। मतलब ये हो रहा है कि कोरोना वायरस के लेकर बहुत सारे कॉलेज में सीट खाली ही चल रहा है। कहीं पर 70% भर रहा है, कहीं पर 80% भर रहा है। मतलब कि 10-20% सभी कॉलेज की सीट इस बार खाली जा रही है। सभी जिलों की बात करते हैं कि किन किन जिलों में ऐसा संभावनाएं हैं, है ना, इस तरह का परेशानी उठाना पड़ रहा है और छात्रों को इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है अगर कॉलेज ये बातों पर ध्यान नहीं देगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपने अपने कॉलेज की ओर ध्यान दें, है ना। कोई आंदोलन है तो आंदोलन करके इस चीज़ को नोटिस का हर हमेशा जानकारी प्राप्त करें कि आपका अपडेट हुआ है। ऐसे छात्रों पर कोई दिक्कत नहीं आने की संभावना है, क्योंकि कॉलेज लेट लेट तक वो कर ही देगा, है ना। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि अभी तक हुआ क्यों नहीं, समय से क्यों नहीं हुआ। देखिए, इन जिलों में औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वैशाली, इन सभी 26 जिलों में अभी तक यही हाल चल रहा है कि अपडेट एकदम दिन ब दिन नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं या जमा करते जा रहे हैं। इससे समस्या हो रही है बिहार बोर्ड को कि कब एडमिशन को, मतलब कि डेट जो है उनको ब्रेक किया जाए या फिर एडमिशन अभी चलते रह जाए। उनको पता चलेगा तब ना कितना फीसदी एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर बिहार बोर्ड 12th एंड 10th की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्रैश कोर्स, उस सभी को आप देखने के लिए हमारे चैनल पर